subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार ख़ान के वीडियो में इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, सियासी साइंस का तारुफ हासिल करेंगे और उसके सिलेबस पे एक नज़र डालेंगे और उसके बाद फिर हम पेपर पैटर्न की तरफ भी जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके जो अहम असबाक है। द वर्ल्ड सिंस 1991 यानी 1991 से आगे का दुनिया के बारे में पॉलिटिकली इसमें बातचीत की जाएगी। की कंसेप्शन इश्यूज सिंस 1991 एंड ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 ईस्वी के बाद की जो दुनिया है और उसके बाद आलमगीरियत के बारे में मालूम हासिल करेंगे। की कंसेप्शन इश्यूज सिंस 1991 ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, पहले इसमें आलमगीरियत और उसके बाद में इंसानी इकदार की बात की जा रही है। कंटेम्प्रेरी इंडिया चैलेंजेस टू पीस स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और भारत को जो अमन को लाहक खतरात है उसके अलावा कौमी यकजहती के बारे में भी चौथे सबक में पढ़ेंगे। पांचवें सबक में कंटेम्प्रेरी इंडिया गुड गवर्नेंस, ये बेहतर गवर्नेंस की कारकर्दगी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। छठा सबक इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और दुनिया, उसके बाद एक्रोनिम्स दिए गए हैं और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में थोड़ी सी मुख्तसर मालूमात है। चलिए देखते हैं, पहला सबक है 1990 के बाद से दुनिया, और दूसरा है 1991 से कलीदी तसव्वुरात और मसाइल आलमगीरियत, तीसरा है कलीदी तसव्वुरात और मसाइल इंसान दोस्त मसाइल, चौथा आज का भारत अमन इस्तेकाम और कौमी यकजहती, पाँचवा है आज के दौर का भारत बेहतर हुक्मरानी, और छठा है भारत और दुनिया। ये देखिए वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है। देखिए हम जब पॉलिटिकल साइंस यानी सियासी साइंस पढ़ते हैं तो आपको पॉलिटिकल मैप के बारे में मालूमात होना ज़्यादा ज़रूरी है, और यही चीज़ इस पॉलिटिकल मैप के बारे में बताया गया है। मेजर कंट्रीज़ के नक्शे हैं, भारत है, चीन है, रशिया है, अमरीका है, इसमें तमाम ममालिक के सरहदें बयान की गई हैं। उसके बाद है ये एशिया का नक्शा है, एशिया का जो नक्शा है इसमें ये रशिया, चाइना, इंडिया इसमें बड़े ममालिक हैं और इनके सरहदें यहाँ बताई गई है, और रूस के टूटने के बाद के वाक़यात को यहाँ पर कलमबंद किया जा सकता है। ये यूरोप का नक्शा है, पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप, मुख्तलिफ ममालिक के बारे में मज़ीद मालूमात है। उसके बाद ये कंट्रीज़ ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो आज़ाद रियासतें वजूद में आई उन तमाम रियासतों की तफसील इसमें बयान की गई है। उसके बाद ये मिडल ईस्ट है, ये मिडल ईस्ट में 1991 यानी गल्फ वार, जो इराक की जंग हुई थी, कुवैत इराक की जंग, उसके बाद बहुत ही ख़तरनाक हालात पैदा हो गए थे, और वही चीज़ के लिए बयान करने के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया जाएगा। यूनिट वन, द वर्ल्ड सिंस 1991, अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वार एरा, यानी सर्द जंग के बाद के हालात में जो आलमी तौर पर नए नए हालात रोनुमा हुए उसके बारे में मालूम हासिल करना। अंडरस्टैंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म एंड द राइज ऑफ मल्टी पोलारिटी एंड रीजनलिज्म। अभी इन नुकात में हम क्या करेंगे, जो इंसानियत को मसाइल दरपेश हैं और दहशतगर्दी यानी टेररिज्म के जो मसाइल हैं उसके बढ़ते हुए, और मल्टी पोलारिटी एंड रीजनलिज्म और इलाकियत के बढ़ते हुए खतरात के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा सबक है ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत, डेवलपमेंट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द वेरियस चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जो आलमगीरियत की वजह से अलग अलग हालात पैदा हो गए हैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ इलाकों में, और उनकी मईशत के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें असरानंदाज हुई है, उनकी सियासत में क्या तब्दीली हुई है, साइंस और टेक्नोलॉजी और समाज और तहजीब व तमद्दुन में कौन से तब्दीलियाँ आई हैं, उस पर उन तमाम के ऊपर हम ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये तीसरा सबक है ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ लाइक एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, पावर्टी एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर इश्यूज़।
अब ये जो इंसानी मसाइल है इसमें हम तुलबा को मालूमात देंगे ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट यानी कि माहौलियात के बारे में, पावर्टी यानी गुरबत, और जो जेंडर इश्यूज़ है यानी कि मसावात मर्द वज़न के, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। और उसके बाद है डेवलप द एबिलिटी टू एनालाइज दिस कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और भारतीय पस मंज़र में इसमें जो अलग अलग इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। चौथा सबक है नेशनल इंटीग्रेशन, इनकलकेट वैल्यूज़ ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें हम कौमी यकजहती के अकदार पर हम रोशनी डालेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंड द वेरियस चैलेंजेस टू पीस स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन फेस्ड बाय इंडिया, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल अमन व अमान और भारतीय कौमी यकजहती के लिए जो भारत को दरपेश मसाइल है उसके बारे में भी हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। पाँचवा है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस यानी बेहतर तरीके से हुकूमती कारकर्दगी कैसे चल सकती है। अंडरस्टैंड द री थिंकिंग इन ट्रेडिशनल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो रिवायती ट्रेडिशनल यानी रिवायती सोच है हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी कारगुजारी की, तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सोचना है। अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशंस ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, और भारत में मुख्तलिफ किस्म के गुड गवर्नेंस के कौन कौन से तरीक़े राइज हैं उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। छठा है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये लास्ट चैप्टर है। अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, गैर मुल्की खारजा पॉलिसी है, वो किस किस्म की है। उसके बाद डेवलप द एबिलिटी टू एनालाइज इंडियाज़ रिलेशन विद वेरियस कंट्रीज़, और इसमें हम भारत के दीगर ममालिक से जो ताल्लुकात है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल करेंगे और मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम सबक के साथ हासिल होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।